डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द पोर्टल्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द डायनेमिक वेब पेजेस एंड स्टैटिक वेब पेजेस डिफरेंसेस। स्टूडेंट्स, इन द क्लास ऑफ वेब टेक्नोलॉजी द टॉपिक इज पोर्टल। आपने कई बार सुना होगा ये शब्द कि पोर्टल क्या होता है। ठीक है, पोर्टल क्या होता है इसके बारे में भले ही ना जानते हो, लेकिन शब्द कई बार सुना होगा पोर्टल के बारे में। देखते हैं आज पोर्टल क्या होता है। ये पोर्टल इज ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो क्या करता है डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक ही जगह पर लाता है। ठीक है, कि उस पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, यानी डिफरेंट सोर्स से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है इनटू ए सिंगल यूज़र इंटरफेस, एक सिंगल यूज़र इंटरफेस में, यानी कि एक जगह पर या सिंगल यूज़र उसे आसानी से इंटरेक्ट कर सके ऐसे प्लेटफॉर्म पर उसे। एंड प्रेजेंट्स यूजर्स विद द मोस्ट रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर देयर कॉन्टेक्स्ट, और यूजर को मोस्ट रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है जो यूजर ने कॉन्टेक्स्ट सर्च किया है या यूजर जो कॉन्टेक्स्ट चाहता है उसके रिगार्डिंग। ओवर टाइम सिंपल वेब पोर्टल्स हैव इवॉल्व्ड इनटू पोर्टल प्लेटफॉर्म। सिंपल वेब पोर्टल्स इवॉल्व होते थे पहले वेब पोर्टल्स पर, प्लेटफॉर्म्स पर, दैट सपोर्ट डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस इनिशिएटिव्स, जो कि डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, ए वेब पोर्टल इज़ ए स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट, एक स्पेशली डिजाइन वेबसाइट है दैट ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को लाकर एक जगह पर रखता है, लाइक ईमेल्स, ऑनलाइन फॉर्म्स एंड सर्च इंजन टुगेदर इन ए यूनिफॉर्म वे, और इन सारी चीज़ों को चाहे ईमेल हो चाहे फॉर्म हो सर्च एक जगह पर लाकर रखता है, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रखता है। यूजुअली ईच इंफॉर्मेशन सोर्स गेट्स इट्स डेडिकेटेड एरिया ऑन द पेज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, और जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स होगा वो पर्टिकुलर एरिया के लिए डेडिकेटेड होगा। ऑफन द यूज़र कैन कन्फिगर विच वंस टू डिस्प्ले, और यूजर उसे कन्फिगर कर सकता है जिस तरीके की वो इन्फॉर्मेशन चाहता है। एग्जाम्पल ऑफ पोर्टल्स, कुछ पोर्टल्स के एग्जाम्पल हैं जैसे गवर्नमेंट पोर्टल्स आपने देखे होंगे, पेशेंट पोर्टल, स्टूडेंट पोर्टल, इंफ्रा नेट, एक्स्ट्रा नेट, वर्क प्लेस पोर्टल्स होंगे, नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल्स होंगे, वेंडर पोर्टल्स होंगे, बैंक पोर्टल्स होंगे। ठीक है, द पोर्टल को अगर एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहें तो हम ये कह सकते हैं द इजीएस्ट वे फॉर द एवरेज यूजर टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन, एक बाज थ्रो ए ह्यूमन क्रिएटेड कॉन्स्टेंट हब, यानी कि एक आसान तरीका है जिससे कि एवरेज यूजर क्या कर सकता है इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है, किसके थ्रू, ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट हब के द्वारा इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकता है, नोन एज पोर्टल, जैसे हम पोर्टल कहते हैं। तो ये था हमारा पोर्टल। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च इंजन, सर्च इंजन के बारे में देखेंगे क्या होता है। सर्च इंजन रेफर्स टू ए ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट, जो सर्च इंजन है वो इंटरनेट के ह्यूज डेटाबेस को रेफर्स करते हैं, इंटरनेट रिसोर्सेज के ह्यूज डेटाबेस को रेफर्स किया जाता है कि इंटरनेट रिसोर्सेज का बहुत बड़ा डेटाबेस हमारा सर्च इंजन होता है। सच एज वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप, प्रोग्राम्स, इमेजेस, उसमें क्या होंगे सर्च इंजन के थ्रू हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, उसमें हमें जैसे गूगल है, गूगल में हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, वो क्या है एक इंटरनेट रिसोर्स है हमारे पास, डेटाबेस, ह्यूज डेटाबेस कह सकते हैं, वो क्या है एक ह्यूज डेटाबेस है जिसमें हमें वेब पेजेस भी मिलेंगे, न्यूज़ भी मिलेगी, ठीक है, इमेजेस भी मिलेंगे, प्रोग्राम्स भी मिलेंगे, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। इट हेल्प्स टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ये हेल्प करता है जो सर्च इंजन है
किसी वर्ल्ड वाइड वेब पर हम इंफॉर्मेशन को लोकेट कर पाएँ, ठीक है, कहाँ उसकी लोकेशन है ये देख पाएँ। यूज़र कैन सर्च फॉर एनी इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऊपर ये लिखा है इट हेल्प टू क्रिएट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलेज या हॉस्पिटल या जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी अगर हमें वेबसाइट नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। तो गूगल के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, ह्यूज डेटाबेस है। गूगल तो ह्यूज डेटाबेस है, उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे ही हम गूगल पर सर्च किए मान लें किसी कॉलेज का नाम, तो जो इन्फॉर्मेशन गूगल के पास होगी वो इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले हो जाएगी और लोकेट हो जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूज़र कैन सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन बाय पासिंग क्वेरी इन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेज। यूज़र कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता है किसके थ्रू, क्वेरी को पास करके, वो भी कीवर्ड या किसी टेक्स्ट के थ्रू। इट देन सर्च फॉर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होगा, वो जो सर्च इंजन होगा वो उससे रिगार्डिंग जो भी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसे सर्च करेगा अपने डेटाबेस में एंड रिटर्न टू द यूज़र, और रिटर्न यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर देगा जो भी डिस्प्ले आएगा, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग उससे मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन यूज़र को वो प्रेजेंट करेगा। सर्च इंजन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो जनरली देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन के तीन बेसिक कंपोनेंट हैं, दैट इज वेब क्रॉलर, डेटाबेस, सर्च इंटरफेस, ठीक है। वेब क्रॉलर क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज स्पाइडर और बोट्स, इसे हम स्पाइडर और बोट्स भी कहते हैं। इट इज ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट ट्रेवर्स द वेब टू गैदर इंफॉर्मेशन, एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वेब क्रॉलर, वो क्या करता है, ट्रेवर्स करता है वेब को कि वो इंफॉर्मेशन गैदर करे। इंफॉर्मेशन गैदर के लिए वेब को ट्रेवर्स करता है जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, वो कहलाता है हमारा वेब क्रॉलर, ठीक है। देन डेटाबेस, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज स्टोर्ड इन डेटाबेस, वेब में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी डेटाबेस में स्टोर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूज वेब रिसोर्सेज, और ये क्या कंसिस्ट करता है डेटाबेस, ह्यूज वेब रिसोर्सेज। अभी हमने बताया था ना कि गूगल पे हम मान ले कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की वेबसाइट हमें नहीं मालूम है तो टॉपिक का नाम अगर हम खाली डाल देते हैं गूगल पे तो उसके डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग वो आपके सामने आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो क्या है, एक जो डेटाबेस होता है वो ह्यूज होता है, यानी कि उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारी रहती हैं, ठीक है। सर्च इंटरफेस के देखते हैं, दिस कंपोनेंट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड डेटाबेस, यूज़र और डेटाबेस के बीच का जो इंटरफेस है वो है सर्च इंटरफेस। इट हेल्प्स द यूज़र टू सर्च थ्रू डेटाबेस, ये यूज़र को डेटाबेस के थ्रू सर्च करता है। मान लीजिए जैसे गूगल है, गूगल पे कोई इन्फॉर्मेशन हमने डाली, कोई टॉपिक हमने डाला या कोई कंटेंट हमने डाला, तो हमारा वो क्या किया, हमारा काम था कंटेंट डालना, डेटाबेस को एक्सेस करने का काम क्या, किसका, गूगल का। तो गूगल सर्च करके हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये तीन कंपोनेंट थे इसके, वेब क्रॉलर, डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेस। सर्च इंजन वर्किंग क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। वेब क्रॉलर, डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेस आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन। वेब क्रॉलर, डेटाबेस और जो सर्च इंटरफेस है वो क्या है, मेजर कंपोनेंट हैं किसी भी सर्च इंजन के, दैट एक्चुअली मेक्स सर्च इंजन टू वर्क, जिससे कि सर्च इंजन वर्क करता है। सर्च इंजन मेक्स यूज ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, सर्च इंजन जो है बुलियन एक्सप्रेशन का यूज़ करता है, जो कि एंड और नॉट टू रिस्ट्रिक्ट एंड विद इन द रिजल्ट, रिजल्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, विद इन करने के लिए एंड और नॉट का यूज़ करता है या सर्च करने के लिए। फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय द सर्च इंजन, सर्च इंजन के द्वारा कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, सर्च इंजन लुक्स फॉर द कीवर्ड इन द इंडेक्स फॉर प्रीडिफाइंड डेटाबेस,
जो भी कीवर्ड यूज़र ने डाला होगा उसे क्या करेगा, अपने डेटाबेस में प्री डिफाइंड डेटाबेस है उसमें सर्च करेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग प्री डिफाइंड डेटाबेस, समझ लो मान लीजिए जैसे कोई हम गूगल पर टाइपिंग कर रहे हैं, अगर ऑलरेडी कोई सर्च कर चुका होगा उसके बारे में तो वो नीचे अपने आप शो होने लगता है ऑटो टेक्स्ट में कि आप ये तो सर्च नहीं कर रहे हैं, अगर हाँ वही कर रहे हो तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गोइंग डायरेक्टली टू द वेब, और डायरेक्टली वो वेब के पास जाता है टू सर्च फॉर द कीवर्ड कि इस सर्च कीवर्ड को सर्च करना है, ठीक है। इट देन यूज सॉफ्टवेयर टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, फिर वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए डाटाबेस में। दिस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज़ नोन एज वेब क्रॉलर, ठीक है। फिर क्या करता है, वो वेब क्रॉलर को यूज़ करता है कि डेटाबेस से वो इस कीवर्ड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को सर्च करे। वंस वेब क्रॉलर फाइंड द पेज, अगर वेब क्रॉलर एक बार पेज फाइंड कर लेता है द सर्च इंजन, देन शो द रिलेवेंट वेब पेज, तो सर्च इंजन क्या करेगा, उस रिलेवेंट वेब पेज को शो कर देगा एज रिजल्ट, रिजल्ट के तौर पे। दीज रिट्रीव्ड वेब पेज जनरली इंक्लूड टाइटल ऑफ पेज, और ये जो रिट्रीव्ड वेब पेज होगा वो जनरली इंक्लूड ऑफ टाइटल ऑफ वेब, या जो टाइटल आपने डाला होगा, जो टॉपिक डाला होगा वो इसमें ज़रूर मिलेगा, यानी कि टाइटल पेज के नाम पर ये रिट्रीव होगा। साइज ऑफ टेक्स्ट पोर्शन फर्स्ट सेवरल सेंटेंसेस एक्स्ट्रा, इसमें क्या होगा, जनरली इंक्लूड टाइटल ऑफ पेज, इसमें पेज का टाइटल इंक्लूड होगा, साइज होगा टेक्स्ट का इंक्लूड, और सेवरल सेंटेंसेस होंगे उसके अलावा इंक्लूड। यूजर कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द सर्च रिजल्ट टू ओपन इट, और कई सारे सर्च रिजल्ट जो भी हमें कंटेंट वेब क्रॉलर देगा डेटाबेस को, डेटाबेस शो करेगा यूज़र के लिए, तो जो कई सारे कंटेंट हमें मिलेंगे, जो मान लीजिए गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कई सारे कंटेंट आते हैं, और जो हमें अच्छा लगे हम उस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।